बीएससी पास सर गुड आफ्टरनून। आज आपको बता रहे हैं रमन स्पेक्ट्रा या रमन प्रभाव, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। जब किसी भी पदार्थ पर डाले जाते हैं तो उस विकिरण का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग प्रकीर्णित हो जाता है। यदि प्रकीर्णित जो प्रकाश है उसकी आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होती है तो इसे हम कहते हैं रेले प्रभाव। ये कहलाता है रेले इफेक्ट या रेले प्रभाव। और इन लाइन्स को हम कहते हैं रेले लाइन्स। ये है रेले लाइन्स। 1928 में सीवी रमन जी ने स्पेक्ट्रोग्राफ लिया और देखा कि रेले लाइन्स के अतिरिक्त भी सीरीज ऑफ लाइन्स होती हैं जो कि रेले लाइन के बाईं ओर और दाईं ओर होती हैं। इन्होंने इन लाइनों का अध्ययन किया जिसे हम बाद में रमन इफेक्ट कहा गया या रमन लाइन्स कहा गया। इन्होंने ये पाया कि कुछ लाइनें जो प्रकीर्णित प्रकाश की कुछ लाइनें जो होती हैं फाइन लाइनें उनकी आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है और तरल दैर्ध्य अधिक होता है। इन लाइनों को हम कहते हैं स्टोक्स लाइन्स, जो कि बाईं ओर बनाई गई है ये स्टोक्स लाइन कहलाती है। और वे लाइनें जिनकी आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से अधिक होती है, बीएस स्कैटर लाइट की आवृत्ति आपतित इंसिडेंट लाइट की आवृत्ति से अधिक होती है, उसे हम कहते हैं एंटी स्टोक्स लाइन्स। और इसको हम कहते हैं रमन इफेक्ट और इस स्पेक्ट्रा को हम कहते हैं रमन स्पेक्ट्रा। अब रेले लाइन्स से इनकी दूरी रमन शिफ्ट कहलाती है। जैसे इसमें रेले लाइन्स में डेल्टा वी इक्वल टू जीरो स्कैटर्ड और इंसिडेंट लाइट की आवृत्ति जो होती है वो बराबर होती है, इसलिए बी एस माइनस बी आई इज इक्वल टू जीरो। परंतु स्टोक्स लाइन्स में डेल्टा वी का मान जीरो से अधिक होता है और जो एंटी स्टोक्स लाइन्स होती हैं उनमें डेल्टा वी का मान जीरो से अधिक होता है। थैंक यू।